नमस्कार, मी प्रतीक्षा, डीएनए मराठी मध्ये आपलं स्वागत। क्षत्रिय चक्रवर्ती सम्राट राजा भोज यांची जयंती वसंत पंचमीच्या दिवशी म्हणजे 14 फेब्रुवारी रोजी साजरी करण्यात आली। या जयंतीनिमित्त ग्रामीण आणि शहरातील विभिन्न भागातून पोवार समाजाने ढोल डीजे वाजवत नाचत गात रॅली काढून या रॅलीमध्ये देखावे देखील ठेवण्यात आले। रॅलीमध्ये बैलजोडीचा देखील समावेश करण्यात आला। संपूर्ण रॅली ही गोंदियामधील मध्यभागी असलेल्या जयस्तंभ चौक येथे एकत्र आली आणि या रॅलीमध्ये जवळपास 25,000 वर समाजातील महिला, पुरुष, लहान मुलं व वृद्ध लोकांनी सहभाग घेतला। इतक्या मोठ्या संख्येने उपस्थित झाले ही रॅली गोंदिया शहरातील मुख्य जयस्तंभ चौकपासून सुरू करण्यात आली असून गोंदिया शहरातील मुख्य बाजारात परिसरात भ्रमण नेहरू चौक येथे समाप्त करण्यात आली। या रॅलीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पवार समाज सामील झाल्यामुळे येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभामध्ये आपल्या समाजाच्या व्यक्तीला उमेदवारी मिळावी यासाठी हा पवार समाजाने शक्ती प्रदर्शन केल्याचं बोललं जात आहे। आप देख रहे इस रैली में पूरे गोंदिया जिले से पवार समाज के लोग, दूसरे भी समाज के लोग जो राजा भोज को मानते हैं। आज राजा भोज किसी समाज विशेष के राजा नहीं है, राजा सबका होता है। राजा गरीबों का होता है, राजा अमीरों का होता है, राजा सर्वसामान्य व्यक्ति का होता है। और जितना अभूतपूर्व प्रतिसाद राजा भोज की इस महारैली में यहाँ देखने मिल रहा है, मेरा मन तो बड़ा अभिभूत है और हर व्यक्ति जो इस रैली में शामिल है मैं उनका सबका अभिनंदन, सबका स्वागत करता हूँ। पहले मैं राजा भोज कहना चाहूँगा, आज क्या अपने समाज का जो राजा भोज, हमारे जो राजा थे, आज उसका हमारे पवार समाज का शक्ति प्रदर्शन है। जैसा कि राजा भोज सर्व समाज को, सर्व धर्मों को एक लेकर चलते थे, उसी का प्रारूप हमने राजा भोज महारैली समिति के माध्यम से यहाँ दिखाने का कोशिश किए और हर गांव जाकर हर आदमी को हमने न्योता दिए और वो न्योते को स्वीकारते हुए आज आपके सामने पवार समाज का प्रदर्शन समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारा समाज बहुसंख्यक था, यहाँ गोंदिया जिले में बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक के साथ साथ में हमारे जब राजा भोज की जयंती आती थी हम महीनों उस जन्म उत्सव को मनाते थे, लेकिन बहुसंख्यक रहने की वजह से आज हमने पूरा समाज एकजुट होने का प्रारूप दिखाया और हमारे समाज ने पूरा आज एकजुट होकर महारैली को बहुत ज़्यादा प्रशंसा दिया है। और समाज एकता के लिए हमारा समाज सदैव एक साथ रहेगा, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे राजकारण हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हर समाज को लेकर हमारा समाज चलने की और नेतृत्व करने की कोशिश करेगा। प्रतिनिधि भरत घासले, डीएनए मराठी, गोंदिया।